गाइस आज के इस वीडियो में मैं आपको एक नई ब्लूटूथ स्पीकर बना के दिखाऊंगा। तो देख पाऊंगा यहाँ पे इस ब्लूटूथ स्पीकर को आप अपने घर पे आसानी से बना सकते हैं। बनाने का कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, तो आप वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, साथ में नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर क्लिक कर देना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत ही देखने को मिल सके। तो चलिए इस ब्लूटूथ स्पीकर को किस तरीके से बनाते हैं उसका कंप्लीट प्रोसेस मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले मैं आपको बता देता हूँ कैसे बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, तो आप वीडियो को स्किप मत कीजिएगा। चलिए तो देख पा रहा हूँ यहाँ पर फ्रेंड्स, मैं इसे बनाने के लिए एक पीवीसी पाइप का यूज कर रहा हूँ। ये एक इंच वाला पीवीसी पाइप है, तो इसमें से आपको 1.5 इंच का एक पीस कट कर लेना है। चलिए मैं यहाँ पे आरी के पत्ते की मदद से इसमें से 1.5 इंच का पीस कट कर लेता हूँ। तो इस पीवीसी पाइप से फ्रेंड्स हम अपने ब्लूटूथ स्पीकर की बॉडी बनाएंगे, तो आपको आरी के पत्ते की मदद से पूरी सावधानी से इसे कट कर लेना है। देख पा रहा हूँ यहाँ पर मैंने इसे काट दिया है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको इसकी फिनिशिंग अच्छी तरीके से कर देनी है सैंड पेपर से। देख पा रहा हूँ यहाँ पर इस तरीके से आपको एक पीस कट कर लेना है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक एम्पलीफायर किट प्लस ब्लूटूथ मॉड्यूल यूज कर रहा हूँ, तो इसका मैंने कनेक्शन कर लिया है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे इसके पीछे आपको सारी डिटेल्स यहाँ पे मिल जाएगी, आपको सीधा सीधा इनका कनेक्शन कर देना है। देख पा रहा हूँ यहाँ पे आपको एक कॉपर वायर की मदद से इस तरीके से इन्हें सोल्ड कर देना है। यहाँ पर मैंने पावर सप्लाई के लिए 2 वायर जोड़ लिए हैं, ये प्लस माइनस है, और ये हमारे स्पीकर के लिए। आप इसमें 2 स्पीकर यहाँ पर चला सकते हैं। इसके बाद मैं यहाँ पे एक 3.7 वोल्ट की बैटरी यूज कर रहा हूँ, आप इसे 5 वोल्ट से लेकर 3 वोल्ट तक ईजिली चला सकते हैं। देख पा रहा हूँ यहाँ पे बस पूरे सर्किट को ऑन ऑफ करने के लिए मैं एक ऑन ऑफ स्विच यूज कर रहा हूँ, जो छोटा वाला ऑन ऑफ स्विच होता है। इसके बाद मैं यहाँ पे एक मोबाइल का स्पीकर यूज कर रहा हूँ, इस तरीके का आप कोई भी स्पीकर ले सकते हैं मोबाइल का। और यहाँ पे बैटरी को चार्ज करने के लिए एक चार्जिंग किट। इसके बाद में फ्रेंड्स मैं यहाँ पे स्पीकर को फिट करने के लिए सैंड पेपर की मदद से इसे अंदर की तरफ से यहाँ पे घिस देता हूँ ताकि स्पीकर यहाँ पे ईजिली फिट हो सके। तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप इसे अंदर की साइड से घिस सकते हैं। देख पा रहा हूँ यहाँ पे हमारे जो स्पीकर वो ईजिली यहाँ पे फिट हो पा रहा है। इसके बाद में फ्रेंड्स मैं यहाँ पे चार्जिंग किट के लिए और जो हमारा ऑन ऑफ स्विच है उसके लिए मैं यहाँ पे कट कर लेता हूँ, तो आपको कटर की मदद से पूरी सावधानी से कट कर लेना है। तो देख पाऊँ फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे चार्जिंग जैक को और जो हमारा ऑन ऑफ स्विच है उसे मैंने यहाँ पे फिट कर लिया है। इस तरीके से आपको कटर की मदद से कट कर देना है। इसके बाद में फ्रेंड्स आपको पीवीसी पाइप की एक सीट ले लेनी है, उसमें से आपको यहाँ पे एक गोल कैप काट कर लेना है मार्किंग करके। चलिए मैं यहाँ पे मार्किंग कर लेता हूँ। इस तरीके से आपको पेन से मार्किंग कर लेनी है, बाद में आपको कैंची की मदद से कट कर देना है। तो चलिए मैं यहाँ पे इस पीस को कट कर लेता हूँ, बाद में आपको इसे सैंड पेपर से अच्छी तरीके से घिस देना है। चलिए देखते हैं। तो देख पा रहा हूँ फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसकी अच्छी तरीके से फिनिशिंग कर ली है। इसके बाद में आप इसे नीचे की साइड में इजीली फिट कर सकते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इसकी पूरी वायरिंग करनी पड़ेगी। चलिए मैं यहाँ पे आपको आगे कनेक्शन बता देता हूँ किस तरीके से आपको आगे कनेक्शन करना है। इसके बाद में फिर मैं यहाँ पे एक जाली यूज कर रहा हूँ, ये आपको पुराने होम थिएटर के स्पीकर से आसानी से मिल जाएगी। इसके बाद में फिर आपको दूसरे पीवीसी पाइप से इसे अंदर की तरफ यहाँ पे ठोकना है, इससे ये जाली ईजिली यहाँ पे फिट हो जाएगी और बाद में आपको एक्स्ट्रा कटिंग कर देनी है। अब इसके बाद में फ्रेंड्स आपको सैंड पेपर की मदद से आपको पीवीसी पाइप को ऊपर की साइड से यहाँ पे घिस लेना है, ताकि इसकी जो ऊपर की साइड है वो यहाँ पे थोड़ी सी मुड़ी हुई हो जाए। चलिए मैं यहाँ पे से फिनिशिंग कर लेता हूँ। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे मैंने इसे ऊपर की साइड से घिस दिया है। तो फाइनली फ्रेंड्स हम इस पर कलर कर देते हैं, तो कलर आप कोई भी कर सकते हैं। मैं यहाँ पर रेड कलर यूज कर रहा हूँ, आप इस पर अपने पसंद का कलर कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पर स्प्रे की मदद से इसकी पूरी बॉडी को कलर कर देता हूँ। तो इस तरीके से आपको इसे कलर कर देना है, बाद में आपको इसे धूप में सूखने के लिए यहाँ पर छोड़ देना है। तो चलिए मैं आपको आगे फिटिंग दिखा देता हूँ। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे कलर सूख चुका है अच्छे तरीके से, इस तरीके से आपको इसे सुखा लेना है। बाद में आपको इसकी फिटिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पे हमारे 3 पीस यहाँ पे सूख चुके हैं अच्छे तरीके से। तो चलिए मैं आपको आगे फिटिंग दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स यहाँ पर चलिए मैं पूरे सर्किट की फिटिंग कर लेता हूँ और आपको पूरे सर्किट की वायरिंग किस तरीके से करनी है वो मैं आपको बता देता हूँ। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे इसकी पूरी वायरिंग कर ली है, चलिए मैं आपको बताता हूँ डिटेल्स में। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे मैंने स्पीकर की जगह पे स्पीकर सोल्ड कर दिया है, और यहाँ पे जो बैटरी है उसे मैंने चार्जिंग किट के प्लस माइनस पे दे दिया है। उन्हीं 2 पॉइंट से लेकर मैंने 2 वायर लिए, बीच में एक वायर को कट करके मैंने स्विच लगा दिया, और उन दोनों वायर को मैंने यहाँ पे पीवीसी पाइप के प्लस माइनस पे सोल्ड कर दिया है। तो इस तरीके से आप कनेक्शन कर सकते हैं। चलिए मैं यहाँ पे पूरे सर्किट को इसकी बॉडी के अंदर फिट कर लेता हूँ। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे मैंने स्पीकर को लगा दिया इस तरीके से। इसके बाद में फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे डबल टेप की मदद से सारे सर्किट को अंदर की तरफ फिट कर दिया है। देख पा रहा हूँ यहाँ पे चार्जिंग जैक को और स्विच को लगा दिया है। इसके बाद में जो इसका ऊपर वाला कैप है उसे भी मैं यहाँ पे फिट कर देता हूँ। तो आपको इंस्टे ग्लू की मदद से चिपका लेना है। देख पा रहा हूँ यहाँ पे अच्छे तरीके सेट हो चुका है। इसके बाद में आपको इसकी ऊपर वाली जाली भी लगा देनी है। देख पा रहा हूँ यहाँ पे मैंने इसकी जाली को भी लगा दिया है। तो फाइनली मैं आपको चेक करके दिखा देता हूँ। तो फ्रेंड्स आप इसे किसी भी मोबाइल चार्जर से ईजिली चार्ज कर सकते हैं। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। तो देख पा रहा हूँ यहाँ पे इस तरीके से आप इसकी बैटरी को इजीली चार्ज कर सकते हैं, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आने वाली। तो चलिए फाइनली मैं इसका स्विच ऑन करके आपको इसे चेक करके दिखा देता हूँ किस तरीके से हमारा ब्लूटूथ स्पीकर वर्क करता है। तो चलिए मैं अपने मोबाइल से इसे कनेक्ट कर लेता हूँ। देख पा रहा हूँ यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। चलिए अब इसमें सॉन्ग प्ले करके देखते हैं।
तो इस तरीके से फ्रेंड्स आप अपने घर पे एक ब्लूटूथ स्पीकर बना सकते हैं। आई होप फ्रेंड्स आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। अगर आप चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत देखने को मिल सके। तो फ्रेंड्स अगर आपको इसे बनाने में कोई भी दिक्कत आए तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।